तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं मेरा वीडियो जो कि है ट्वेंटी टाइम जर्नी पे। फ्रेंड्स मैंने अपने पहले पुराने मेरे वीडियो में फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ट्वेंटी टाइम जर्नी क्या होती है। कुछ थोड़े से मैंने आपको टिप्स दिए थे कि जिससे कि आपको ये समझ पाएँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी असल में है क्या। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी जो है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप इसको ज़बरदस्ती अपने आप से रेजोनेट मत कीजिए। अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप किसी टैरो कार्ड रीडर से भी ये पता कर सकते हैं। अगर आपके मन में ये डाउट है कि क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं है, तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं ये पता करने के लिए कि क्या वाकई में आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी को स्पेसिफाई करने के लिए, क्लेरिफिकेशन देने के लिए हम लोगों के पास कुछ कार्ड्स होते हैं जिसके द्वारा कि हम पता करते हैं कि क्या वाकई में ही आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या ये सिर्फ आपको आभास हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ये बहुत ही स्ट्रगलिंग वाली जर्नी होती है। इसके अंदर शुरू शुरू में हमें नहीं समझ में आता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, लेकिन और चीज़ें कुछ इस तरह से चलती हैं कि आपको रियल में ये समझ में भी नहीं आ सकता कि दैट यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, जब तक कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होगी या फिर आप किसी टैरो रीडर से ये पता नहीं करेंगे कि क्या वाकई में आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है, एक मैंने जैसे पहले बताया था कि एक मेल पर्सन होता है और एक फीमेल पर्सन होता है। तो फीमेल और मेल दोनों में से किसी की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पहले हो सकती है, और ये बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि दोनों में से कौन ज़्यादा स्पिरिचुअल है, कौन गॉड पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, और गॉड की क्या मर्ज़ी है, किसको पहले अवेकन करना है, यूनिवर्स क्या चाहता है। मैंने जैसे कि पहले बताया कि इसमें मेल फीमेल होते हैं और किसकी पहले स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, ये जो है उस टाइम पर ही पता चलता है जब अवेकनिंग होती है। और इसमें जो है, ट्विन का मतलब क्या है असल में, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। ट्विन फ्लेम जो है, इसका मतलब ये है कि टू बॉडीज होती हैं पर उनकी जो सोल होती है वो एक ही होती है। और जिस तरह से आपने शायद देखा होगा, अगर कोई जो ट्विन बच्चे जो होते हैं छोटे, जैसे जुड़वा अगर किसी के बच्चे होते हैं, तो वो यदि एक बच्चा रोता है तो दूसरा बच्चा भी रोता है, और यदि एक बच्चा हंसता है तो दूसरा बच्चा भी हंसता है। सेम कंडीशन इस ट्विन फ्लेम जर्नी में इन दोनों मेल फीमेल्स में होती है, यानी कि इन दोनों की जो एनर्जीज होती हैं वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करती हैं। यदि मैं ये कहूँ कि दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, तो ये कहना जो है उचित होगा। और ये दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, इन्हें एक दूसरे की एनर्जीज जो होती हैं वो पता चलती हैं, और इन्हें जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो उस टाइम पर कुछ ना कुछ साइंस मिलते रहते हैं। और इस जर्नी में सेपरेशन भी आता है, तो सेपरेशन के दौरान भी ये एक दूसरे से किसी ना किसी तरह, यूनिवर्स इन्हें जो है वो कनेक्ट रखते हैं। ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे, पर आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे टैरो में जो है वो कौन से ऐसे कार्ड्स होते हैं जिससे कि हम ये पता कर सकते हैं कि आप जो हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं है। तो जो सबसे पहला हमारा जो कार्ड है, इसमें ये तीनों कार्ड्स जो होते हैं वो मेन होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के, जो कार्ड्स हमारे बोले जाते हैं। पहला द लवर्स, दूसरा कार्ड हमारा जो होता है वो होता है टू ऑफ कप्स का कार्ड बोलते हैं हम इन्हें, और उसके बाद होता है फोर ऑफ वंड्स का। तो ये जो तीनों कार्ड्स होते हैं, देखिए फ्रेंड्स,
ये जो तीनों कार्ड्स होते हैं हमारे, ये ट्विन फ्लेम जर्नी के कार्ड्स होते हैं। जब हमारे टैरो में ये कार्ड्स आते हैं तो हम कन्फर्मेशन होती है हमें इससे कि हम जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो ये जो पहला कार्ड मैं आपको दिखाना चाहूँगी, द लवर्स का कार्ड जिसे हम बोलते हैं, ये दो कपल्स होते हैं, ये वही ट्विन फ्लेम जर्नी के हैं, मेल एंड फीमेल, और ये ऊपर यूनिवर्स इनको ब्लेस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सोलमेट वाला कनेक्शन होता है, और ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है, कोई ये 100 ईयर्स का भी कनेक्शन हो सकता है। और इन दोनों का सोलमेट जो है कनेक्शन जो है, इन लोगों का कोई सोल कॉन्टैक्ट होता है, ये इस अपने कॉन्टैक्ट को पूरा करने के लिए इस धरती पर आते हैं। ये इस जर्नी के अंदर हम जो फीमेल होती हैं उन्हें डिवाइन फेमिनाइन कहते हैं, और जो हमारे मेल पर्सन होते हैं इस जर्नी के अंदर उन्हें हम डिवाइन मैस्कुलाइन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, और द लवर का जो कार्ड है वो जेमिनाइज को भी शो करता है। हमारे टैरो में जो जेमिनाइज जोडिक साइन होते हैं उनका जो कार्ड होता है वो द लवर का कार्ड होता है, और ये ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड भी माना जाता है। और उसके बाद ये जो कार्ड हमारा है फोर ऑफ वॉन्ड्स का, तो फोर ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड होता है ये भी ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड होता है, ये भी पास्ट लाइफ का कनेक्शन हमें शो करता है। उसके बाद जो हमारा तीसरा कार्ड है ये है टू ऑफ कप्स का। तो टू ऑफ कप्स का भी कार्ड जो होता है वो एक मेल और फीमेल जैसे आगे है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये दूसरे को कप दे रहे हैं और अपना ऑफर दे रहे हैं, और डिवाइन जो है इनको ब्लेस कर रहे हैं। तो ये जो कार्ड हमारा है ये भी ट्विन फ्लेम जर्नी का को शो करता है। अगर ये टैरो में आता है तो जो आपके जो सोलमेट हैं वो, ये ज़रूरी नहीं होता है, ये हम देखना पड़ता है कि हमारे जो किस तरह का हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, किस तरह की हमारे पास रीडिंग हमें देनी है, उसके हिसाब से ही हम ये सारी जो कैलकुलेशन होती है वो कर पाते हैं। लेकिन मैंने एक जनरल वे में आप लोगों को बताया कि टैरो के अंदर ट्विन फ्लेम जर्नी के जो ये कार्ड्स होते हैं, तीन कार्ड्स होते हैं जिनके द्वारा हम ये पता करते हैं कि क्या सच में आप जो हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं हैं। और जो है ट्विन फ्लेम जो जर्नी जो है वो आप लोगों को खुद महसूस होंगे उसके साइन, उनके उन चीज़ों के बारे में जब आपको पता लगेगा। शुरू में तो नहीं पता चलता है, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे ये जर्नी प्रोसीड करती है, जैसे आपकी अवेकनिंग होती है, तो यूनिवर्स जो है वो आपको कोई ना कोई साइन, कोई ना कोई किसी भी तरह की जो एनर्जीज होती हैं उससे आपको ये ज़रूर पता लगता है कि क्या आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं हैं, या आप किसी टैरो कार्ड रीडर से भी इस चीज़ की हेल्प ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करूँगी, और काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं है, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको आपकी जो है पर्सनल रीडिंग दूँगी, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या वाकई में आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। सो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और स्टे ब्लेस्ड।